لداخ إكسبرس جسمو بالانجس لا جولي السلام عليكم كزو لداخ إكسبرس جوتين يجا لداخ سس كادن على لداخ سن نسون نسون زغرا بول سس نعيش سندوس تاني تني كزوك ديني هي جلتها دي دغري منا نجن يمبو تني يورولوجيست دكتور نواز سادين نجن يمبو جكستيوت تني تامبو نتني كلا لداخ إكسبرس نعير غسوجين تني كلا ينتوب جغرا نتا تني سونام نوربو ميموريال من كان تني يعني من شو تجزا توهلا ديتيون تني سرجري جي كاو نتا تني إندوسكوبيك يوريتريل तने स्टोन ही हरा लेते सर्जरी होंगी ना तने तंगपो रंग आता लदाख स्लांग आता गुमार रंग जाते इंजर कंस शिक तो क्या कुछ शिक जून तने तो उसको डाले कैसा सामला जुले अस्सलाम वालेकुम ये प्रोसीजर मिंग बुला यूआरएसएल जर्चिन यूरोट्रोस्कोपिक स्टोन लिथोट्रिप से जरे ये प्रोसीजर एक एंडोस्कोपिक प्रोसीजर है तो जिसमें हम स्टोन को निकाला जाता है पेशाब के जैसे कि नाली से थ्रू पेशाब की नाली के थ्रू जाके वहाँ से स्टोन को निकाला जाता है। तो इस सर्जरी का एक एडवांटेज ये है कि इसमें कोई स्किन का इंसिजन नहीं लगता है, जैसे इसमें कहीं बाहर से कहीं जगह स्किन से कोई इंसिजन नहीं होता है। हम जैसे कि नॉर्मली पेशाब की नाली के थ्रू जाके उस स्टोन को तोड़ के फिर निकाला जाता है। तो इसका एक अगर हम कंपेयर करें जैसे ओपन टेक्निक से, जैसे आते हैं ससुक को ओपन प्रोसीजर चुनने का, तो कोई फायदा दी होत कि आप इंसिजन चंग मतंग्स पा वो दी मितंग्स स्पेस बसे पेशेंट ला पोस्ट ऑफ रिकवरी मतलब ऑपरेशन के बाद जो है एटलीस्ट 1 या 2 दिन चिक हॉस्पिटल स्टे रहना पड़ता है। अगर ना कंपेयर चुनने का तो जैसे ओपन प्रोसीजर से, ओपन प्रोसीजर में कम से कम 1 हफ्ते के लिए पेशेंट को बैठना पड़ता है हॉस्पिटल में, चाहे ये एक एडवांटेज है उसका। और दूसरा ये है कि जैसे कि सर्जरी के रिलेटेड जो मॉर्बिडिटी होता है, मॉर्बिडिटी जब है ना जैसे पेशेंट को पेन बहुत ज़्यादा होता है ऑपरेशन के बाद, पेशेंट को जैसे कि रेगुलर ना ड्रेसिंग जो है ऑपरेशन दौरान अगर ओपन प्रोसीजर से ना, तो वो इसमें नहीं होता है। इसमें हम क्या करते हैं डायरेक्टली उसी के थ्रू जाके तो उसको फिर अगले या नेक्स्ट डे जो है पेशेंट को हम डिस्चार्ज करते हैं। तो ये एक एडवांटेज है। इससे पहले यहाँ पे ये एंडोस्कोपिक ऐसे प्रोसीजर पहले कभी नहीं हुआ है। वो इसलिए नहीं हुआ है लेह में क्योंकि यहाँ पे एक तो शायद वो स्पेशलिस्ट वो अवेलेबल नहीं थे, दूसरा साथ में इंस्ट्रूमेंट भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं थे। तो अभी हमारे पास यहाँ पे उसके इंस्ट्रूमेंट्स आए हैं तो यही है इसकी बात। तो नहीं कजुक काले इस हुन लंगे रहते नहीं आता है ऑपरेशन चिक सर्जरी के जाते इन पिन हाल ले सुपर दंग यंग ये रहते नहीं यंग तंग पोरंग आता जस पिन जोर हाल ले तो नहीं यू ना स्पेस तेंग आता नक्सा मेडिकल ई जो पिन आते नहीं आता नक्सा एस एन एम मंचोत खांग पिन आते नहीं फैसिलिटीज मन रगिया छन मिलता नहीं का दंग दिया यो तेंचु हाल ले तो नहीं स्पेशलिस्ट तंग आता दंग दिया यो तेंचु ते वे कुछ दक्षिण तंगा यूरोलॉजी डिपार्टमेंट आयो तने एज अ यूरोलॉजिस्ट आता ई का दक्षिण फैसिलिटी ऑलमोस्ट मतलब ता पूरा मजे रहा 100%, लेकिन 60-70% जो भी इंस्ट्रूमेंट जो आता और कुछ है होते इंस्ट्रूमेंट सामने आता एक अवेलेबल होते नो, जैसे आता जैसे कि प्रोस्टेटी प्रॉब्लम जो छाने का तो होते फिलहाल आता है यू लेजर सर्जरी जैसे कि आते से दी फैसिलिटी आता एक अवेलेबल होते नो रेगुलरली दक्षिण चेंज हो लास्ट ऑलमोस्ट 1 साल से दैट्स अ स्टोन सर्जरी फिलहाल आता है इंस्ट्रूमेंट का चेक दी कमाले बहुत दक्षिण दे इंस्ट्रूमेंट वाले से था ना दे इंस्ट्रूमेंट वाले दक्षिण आता यू लेजर थ्रू जैसे कि आम टर्म में आते लेजर सर्जरी से भी ना जैसे ना लेजर सर्जरी जो है दी अवेलेबिलिटी आता था संधि का यू तेनो खस का ले थुक्जे छे तने कजुक तक सा डॉक्टर नवाज से स्कंदोरी माजिब सर ने पमोल जस तने जान गता गुमा लदाख सुख सुनी ना तने लदाख से ना ता लेकर गिल मस्तुस मतर मन छत खंग निस्के ना तने ई चुख सिंग ता धनी का सर्जरी रिक दिन चुपि ना ता छमित पिन जोर इन ना दंग तने तंग पोर अंग खोई तने ता एंडोस्कोपिक तने का बिना ता स्टोनी फिलो फिंचे से ते ना ता सर्जरी ओं तने इका जस पिन जोर तंग पोर अंग लेना सुम पसंद तने यु कन ना ता ते चुख सिख थोंदुक तने ना ता मेडिकल ई लाइन पिन ना ता मन छत खंग पिन यास अतः इस मनखंग पिना सोनम निर्भो मेमोरियल हॉस्पिटल इना तेने मा रग्या छन मिल दने कतेने यरग्या सनाता यंकन से सोथों तो गाने सांग तेने गाता स्पेशलिस्ट मा पोजाई का यतकन सोथों सो बंगाता फिलो गा छगोस मेत पानो गाता यम छन गेल बचन मलदन कन गाता मा पोयत के सुपते गुन ना तेने गाता इन्दे का ऑपरेशन चो जत नेचे से नखले का सकले तुक्से छे काले तेने इना चोजान रिक्रिम करते जलिन ते सुपिंग अर्गोस पासला जत यांसिक सेंजुक्स जत लदाग एक्सप्रेस जुले वसना